नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। तेरी नसीब की बारिश किसी और के छत पर बरस गई, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। दोस्तों, सो जाता है हर कोई अपने कल के लिए, पर कोई ये नहीं सोचता कि आज जिसका दिल दुखाया है वो सोया होगा कि नहीं। दोस्तों, कभी प्यार करने का दिल करे तो अपने गमों से करना, सुना है जिसे जितना प्यार करो वो उतना ही दूर चला जाता है। दोस्तों, किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, पर ये कोई नहीं जानता कि वो कितनी गहराई तक गया होगा। किसी रोज याद न कर पाऊं तो खुद गर्ज मत समझना ए दोस्त, दरअसल छोटी सी जिंदगी में परेशानियां ही बहुत है। जिंदगी में मंजिलें तो मिल जाती है, बस लोग नहीं मिलते जिन्हें हम दिल से चाहते हैं। आंसू का कोई वजन नहीं होता, पर निकल जाने पर मन काफी हल्का होता है। दोस्तों, किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर इंसान देते हैं। दोस्तों, कब तक साथ निभाते हैं लोग, आंसुओं की तरह बिछड़ जाते हैं लोग। वो जमाना और था, लोग रोते थे गैरों के लिए, आज तो अपनों को रुलाकर मुस्कुराते हैं लोग। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में गहराई से छानबीन अवश्य कर लें। दोस्तों, आपको इसके उत्तम रिजल्ट भी हासिल होंगे। आपको बता दें कि बच्चों का कोई उपलब्धि मिलने से घर में भी खुशी भरा माहौल रहेगा। समाज का भी आपके ऊपर मान सम्मान पड़ने वाले हैं, इससे दोस्तों आपका समाज में भी आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। दोस्तों, इसके उपरांत यशमी, अगर आपके सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यशमी खर्चों को सीमित रखें, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। दोस्तों, बच्चों की समस्याओं में उनका मार्गदर्शन अवश्य करें, ये आपके लिए अति उत्तम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशमी किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ जाने का मौका मिल सकता है। नकारात्मक व्यवहार की वजह से आपका मन यशमी थोड़ा सा व्यथित भी रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यशमी जिन बातों की वजह से आपको निराशा प्राप्त हुई थी, दोस्तों उन बातों को पीछे छोड़ना आपके लिए संभव हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको अपयश क्यों मिल रहा है, इस बात का अवलोकन करने की अत्यंत आवश्यकता बन रही है। जीवन में एक ही अनुभव बार बार जो है आना, यह बतलाता है कि आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें बार बार दोहरा रहे हैं। तो दोस्तों, यशमी इन बातों पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों, ये आपके लिए यशमी अति उत्तम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशमी आपके लिए समय होंगी, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगी, दोस्तों आपको बता दें कि किसी मित्र की मुसीबत में उनका सहयोग करना आपको आत्मिक खुशी भी प्राप्त करेगा। रचनात्मक तथा धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति भी आपकी रुझान बढ़ेगी। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए सफलता के मार्ग भी खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, यशमी चुनौतियों से बिल्कुल भी ना घबराएं। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय बच्चों की गतिविधियों और संगति पर कड़ी नजर भी रखें। हालांकि दोस्तों, आप अपनी समझदारी व फिर सूझबूझ से हर समस्या का भी समाधान निकाल पाएंगे। यशमय भावुकता में बहकर कोई भी निर्णय ना लें, व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना इसमें आपके लिए अति आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, काम पर अधिक ध्यान देने की वजह से परिवार से संबंधित बातों में आपके द्वारा जो है थोड़ा सा लापरवाही भी हो सकती है। दोस्तों, काम करते समय आपको जो है कई कठिनाइयों का सामना भी इसमें करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों मनोबल बनाए रखें। पैसे से संबंधित लिए गए जो भी निर्णय हैं, इनकी वजह से आपको जो है आर्थिक फायदा भी इसमें प्राप्त हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, ये समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपका आत्मविश्वास तथा सकारात्मक दृष्टिकोण आपके कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने में भी सहायक रहेगा। घर की सुख शांति सुविधा वस्तुओं की खरीदारी भी हो सकती है। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। कोई पैतृक प्रॉपर्टी संबंधी मामला भी यह समय हल हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय दोस्तों तथा संबंधियों के साथ
समय व्यतीत करने के बजाय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ही ध्यान दें। दोस्तों, अपने गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखना इसमें आपके लिए अति आवश्यक होंगे। ये स्वभाव की वजह से आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यश में इनसे आप बचने का प्रयास करें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि लोगों द्वारा कई बातों का गहरा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हो सकता है। इसलिए जिन लोगों की वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, दोस्तों ऐसे लोगों के साथ जो है थोड़ी दूरियां ही बनाकर रखें, ये आपके लिए उचित रहेगा। कारोबारी संबंधी जो भी कार्य यश में कर लें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। करीबी रिश्तेदार या फिर मित्र परिवार से जो भी लोग आपके प्रति ईर्ष्या का भावना रखते हैं, उनकी भावनाओं के बारे में यश में आपको पता भी चल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अगर प्रॉपर्टी की खरीद प्रोक संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों समय अनुकूल है। कोई समाज सेवी संस्था में भी योगदान देने से आपको खुशी मिलेगी। युवा वर्ग और अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनसे आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ आगे भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल करने से आप जो है इसमें प्रसन्न रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि अपने अहम और जिद जैसे स्वभाव पर नियंत्रण भी आप रखें। दोस्तों, इनकी वजह से आपके कई काम भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नजदीकी रिश्तेदार के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति भी बन रही है। दोस्तों, यश में थोड़ी सी भी सावधानी आपकी रिश्तों को बिगड़ने से बचा सकती है। तो दोस्तों, यश में इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों परिवार के व्यक्तियों के साथ आपके जो मतभेद हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका असर आपके रिलेशनशिप पर नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मतभेद मुख्यतः प्रॉपर्टी से संबंधित बातों की वजह से होंगे। आपका नजरिया लोगों को समझा पाना और लोगों द्वारा आपकी भावनाओं को समझ पाना, दोनों ही बात आज के दिन कठिन हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यह समय मार्केटिंग संबंधी कामों में ज़्यादा समय लगाएं, उचित ऑर्डर भी मिलेंगे तथा कुछ प्रभावशाली संपर्क भी आपके बन सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी स्वार्थ व्यक्तियों को जो है बेहतरीन सेवा प्रदान करने से उचित परिणाम भी हासिल हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यदि आप कार्य से संबंधित यात्रा विदेश में करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में अपने वरिष्ठ के साथ बात करना आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय की गतिविधियां पूर्ववत ही रहेंगी, परंतु खर्चे बढ़ सकते हैं। यश में मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है, तरक्की भी मिलने की संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में आपको अपने मेहनत के मुताबिक नतीजे भी हासिल होंगे। कोई नई दिखी यात्रा भी संभव हो सकती है। नए काम की शुरुआत के लिए जो समय होंगे, बहुत ही उत्तम समय होंगे, बहुत ही बेहतर समय होंगे। दोस्तों, सरकारी नौकरी में कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में दूसरों पर अधिक भरोसा भी ना करें, इसके बजाय आपको अपने निर्णय को ही सर्वप्रिय रखना चाहिए। दोस्तों, किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी यश में मिलने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंधों में कुछ मतभेद रह सकते हैं। समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक परेशानियां यश में थोड़ी सी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यस्तता के बावजूद अपने घर परिवार के लिए समय आप निकाल लेंगे। इसे दोस्तों पारिवारिक वातावरण जो है मधुर और सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों में और अधिक यश में नैतिकियां बढ़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच थोड़ी सी जो है पारिवारिक मुद्दे को लेकर कहा सुनी तो होंगी, परंतु दोस्तों जरा सी समझदारी ही आपके जो वातावरण है पुनः उनको सजग कर देगी। तो दोस्तों, इसमें जरूर अपने समझदारी से काम लें, इनसे दोस्तों आपके जो लव लाइफ का जीवन है बहुत ही उत्तम साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के साथ मनोरंजन तथा डिनर आदि के लिए जाना यादगार पलों में शामिल होगा।
पति पत्नी के संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियाँ बढ़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमी, अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यशमी वंशानुगत परेशानियाँ दोबारा बढ़ सकती है, इसलिए लापरवाही ना बरतें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशमी अति उत्तम होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधी समस्या बढ़ने की संभावना है। दोस्तों सकारात्मक रूप से दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें अति उत्तम साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये इसमें आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि चोट लगने व फिर दुर्घटना जैसी कोई आशंका भी बन रही है, जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर रहें, वाहन का भी प्रयोग न करें, तो आपके लिए इसमें बहुत ही उत्तम समय साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि नजला जुकाम व फिर गला खराब होने जैसी समस्या भी रह सकती है, लापरवाही ना करें और आयुर्वेदिक इलाज आप लें, दोस्तों ये आपके लिए उत्तम इलाज होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके हेल्थ के लिए ही बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 6।